अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने किया, कर ले सब्सक्राइब। अगर दिल नहीं मान तो सोके अगर दिल मान जाए तो ब्रेड बनवाई थी आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा होगा। मैंने अभी खोला तो कितने अच्छे हो गए। मुझे सुप्रीम बाल बहुत पसंद है लेकिन सिर्फ फ्रंट से हुए, बैक से नहीं हुए। लेकिन मैं ऐसा करूंगी कि एक दिन ना पूरे बालों की छुट्टियां बना के तो पूरे बालों का ही ट्रिम कर लूंगी। कितना ज्यादा खूबसूरत आप लोग को लग रहा है कि नहीं आप लोग ने बताना है। और खैर मुझे तो बहुत अच्छा। आज हम करेंगे शाहरुख के बर्थडे की तैयारियां शेयरियां। तो हम लोग रखेंगे फ्राइडे को शाहरुख अजमल की बर्थडे। अपने कपड़ों पे जो है पैसे वेस्ट ना करूं। मुझे जो मेरी सायरा पप्पो की जो बेटी है वो पप्पो अजीना की जो बेटी है सायरा बाजी, उन्होंने कहा है कि तुम मेरी साड़ी ले लो। तो उसको मैं सोच रही हूँ कलर करवा के रेड कलर का करवा लूँ या फिर पिंक कलर का, शॉकिंग पिंक। तो इन दोनों में से रेड कलर मैंने पहना हुआ है, शॉकिंग पिंक अभी तक नहीं पहना। तो आज मैं इसको जा रही हूँ कलर करवाने के। चले चलते हैं मेरे। वाह शाहरुख तुम तो और अच्छे लग रहे हो। तनवीर भाई क्या पढ़ रहे हैं? एस। वाह वाह अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूं बस, कल से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। थोड़ी जलन थी। मैं आजकल तो मेरे खुद की भी ऐसे हो रही है। वो सब कह रहे हैं कि आपके घर आपकी सास मम क्यों नहीं आ रही? आपके घर? हाँ दो दिन नहीं आई है, वैसे तो आती रहती है ना। अभी तबीयत ठीक नहीं थी तो बस ठीक नहीं थी। हाँ अभी भी देखे कल, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला। हाँ आप सब लोग कहते हैं ब्लॉग करें तो इसलिए ब्लॉग में तबीयत इनकी ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं, अभी मौसम ऐसा ना सबकी तबीयत खराब चल रही है। लेकिन इस आदमी की तबीयत खराब नहीं होती। इसको अपने क्या खिलाया था बचपन में? हाँ कोरमा और चिकन टिक्का, ये देखा टिक्का और बिरयानी, इसलिए तो ये सब्जी नहीं खाता। हाँ नहीं खाता ना। वो जो बस ड्राइवर था जो काम करता था इसी को खिलाता था ना। और अब वो सब पूरा खत्म हो गया। फिर उसके अब्बू गए ना तब से ये कमजोर है, पहले ठीक हुआ करता था, अब ये प्राणी नॉर्मल नहीं है। मुझे लोग कह रहे हैं कि आंटी स्ट्रॉन्ग होके थोड़ा बोला करो। हाँ तो अभी वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि अभी इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वरना वो स्ट्रॉन्ग होकर ही बात करेंगे ना। हाँ, तो मैं बस बोलती भी ऐसा हूँ। हम लोग जा रहे हैं भाई, मैं कराऊंगी इसको कलर और अपने साड़ी को बिजली चलते साड़ी को कलर करवाते हैं। अब भाई को भी वॉश करो, उसको भी वॉश। आ जाओ शाहरुख अजमल। तो बीच में हमें दो तीन बैंक के काम वो हमने खत्म करके अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी साड़ी को कलर करवाने के लिए। तो नैना को कलर करवाना है यहाँ पे ये अपना कलर करवाने के लिए आई हुई है। तो ये लोग कह रहे हैं ये कलर नहीं हो पाएगी। तो इसमें कौन सा कलर आएगा? कलर आ जाएगा और ब्लैक आएगा, इसके अलावा ब्लू आएगा। नेवी ब्लू आएगा? हाँ नेवी ब्लू कर दें। हाँ नेवी ब्लू करते हैं फिर, इसमें नेवी ब्लू ही आएगा। तो अभी ना हम साड़ी को रफू करा, ये ना कहीं से फटी हुई दिखाओ। नहीं नहीं फटेगी नहीं, बस उसको रफू करा के देंगे तब सही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर जो है अपने साड़ी दे दी, वो कह रहे हैं कलर करके दे देंगे, लेकिन जो ये ब्लाउज और ये है ये नहीं होगा। तो ये नया सिलवाना पड़ेगा और ब्लाउज नया लेना पड़ेगा। तो बस अभी चलते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं पाइनियर, यहाँ से हमने लेना थोड़ा सा मेरे सासू मम के लिए कुछ सामान लेना। तो चलते हैं यहाँ से देखते हैं। ये रहा उनको ये वाला फोस फोस। तो मेरे सासू मम के लिए पहले हमने फेयर लवली जॉनसन का फेस वॉश और इसके अलावा हमने लिया है मेडिकेम का टूथ और जो है एलोवेरा का जल वो फेस पे लगाते हुए। तो अभी घर आ चुका था, जैसे कर लेते हैं घर की सफाई और सफाई करने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो अभी कर रही थी घर की सफाई। भाई आजकल मिठू और सुगरा बहुत ज्यादा घर गंदा करते हैं और बोलते रहो चीखते रहो कोई भी नहीं सुनता। और सबसे बड़ी चीज शाहरुख तो बहुत ज्यादा तंग, क्योंकि खुद तो हमारे घर में कोई बच्चे नहीं है, सिर्फ शाहरुख और मैं तो नहीं करती ना शायद, मतलब सफाई ही रखती हूँ। आपको पता मेरा काम है सफाई का। शाहरुख अजमल ये जो घर की सफाई मतलब हर चीजों को छेड़ता रहता है। माफ कीजिएगा गुस्से में जरा मैं इधर उधर निकल जाती हूँ। अच्छा प्लीज आज आप लोग मेरी साड़ी को जज मत कीजिएगा जिसको मैं कलर करवाने के लिए लेके जाऊंगी यार, क्योंकि वो सायरा बाजी ने मुझे दे दी है। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं ज्यादा पैसे जाया ना, क्योंकि मैं बहुत कम पैसों में से कलर करा के एक अच्छा सा ड्रेस बना के पहन सकती हूँ शाहरुख की बर्थडे। तो व्हाई नॉट मेरी जान। अच्छा आज मैं आप लोग को सॉन्ग सुनाती हूँ, ठीक है? ऐसे भी रहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आए भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका, तू भी तरसे। तो सफाई का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। तररा। तो घर की पूरी सफाई ये देखे हो चुकी है। अभी खाने लगी हूँ मैं खाना, और बहुत ज्यादा काम था, पोछा लगाया, वॉशरूम धोए, सब कुछ करा। तो अब बिल्कुल अंदर जो जान खत्म हो चुकी है। इस बट्टे का भी होश नहीं है, बजट से खाना खाते, टैबलेट्स को भी लेट हो चुका है, बजट से टैबलेट्स खाए खाना खा के फिर जो है हम रिलैक्स करेंगे फिर और काम भी देखेंगे। तो अभी सासू मम आई भी आ जा। शाहरुख बाइक लेने गया, अभी तक नहीं है।
तो इसको इधर साइड पर रखते हैं, यहाँ पर लटकी। आपका सामान मैं ले आई थी। अच्छा ठीक है, ये ले लें। वो जो आपने गोलियां कही थी ना, वो गोलियां नहीं मिल रही थी। नहीं मिल रही। नहीं, फिर हम लोग घर आगे फिर कहीं जाएंगे और तो ले आएंगे। ये वो है जो आपने लगाते हो एलोवेरा जेल, वो गोल में था ना। हाँ। ये उसमें है, वो बड़ी में है। अच्छा अच्छा। और ये बड़ी वाली बोली है फेस वॉश। अच्छा अच्छा। उसने बोला कि अभी ये चीजें आना बंद हो जाएंगी ना। अच्छा अच्छा। तो भी कह रहा जो भी मिल रहा है वो ले लें, तो बड़ा वाला ले लें। बंद हो जाएगी। ये क्रीम है, यही चीजें कही थी, कुछ और भी था? यही चीजें कही थी ना बस। दवा नहीं है ना, बस गोलियां। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। सो के उठूंगी फिर जो है कुछ देखते हैं। वैसे भी टैबलेट्स खा लो तो उसके बाद नींद आने लगी थी, तो लाइव आया पता नहीं नेट चला गया तो फिर लाइव भी रह गया। खैर तो अभी सास मम जा रही हैं, वो मेरी नानी की जो है शमीज वगैरह कुछ कपड़े सिलवाने के लिए देते, तो उनके वो कपड़े वगैरह वो मतलब मेरी सासू मम्मी देखती हैं, तो सब कुछ अभी कुछ रह गया, कुछ शमीज का कोई मसला आ रहा है तो वही उनको पता करवाने के लिए जा रही हैं उधर नानी की तरफ। और तनवीर भाई उनको लेके जा रहे हैं। तनवीर भाई आप हमें सीरियस क्यों रहते हो ऐसे? तो अभी मैं उठ चुकी हूँ वापस, तो मैंने अभी कपड़े चेंज किए और जल्दी से मैं अपने बाल सेट कर लेती हूँ। बाल सेट करने के बाद आप लोग के सामने आती हूँ। तो मैं हो गई हूँ तैयार, मशीन बहुत गंदा है, उसको अवॉइड कर। घर देखें कितना साफ लग रहा है ना, कितना साफ सुथरा मैंने किया है घर। खैर अभी मैं जा रही हूँ वो साड़ी वापस लेने, और उसका कपड़ा लेके फिर से हम सिलवाना भी है, उसके साथ का ब्लाउज भी लेना है, तो चलते हैं। मिट्टू घर का ख्याल रखना, किसी को घर नहीं आने देना। मैं यही आती हूँ लेकिन चारों से बाइक तो स्टार्ट नहीं होता, अंदर खड़ी उस नंबर अंदर जाके वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ओके, क्या फ़ायदा 1-5 लेने का? तो अभी वहाँ से मंदिर चार पाई हमें बिछी हुई है, यहाँ पर मैं बैठ गई। और यहाँ पर पता नहीं अंकल का मोबाइल पता नहीं किसने तोड़ दिया, मुझे इतना बुरा लग रहा है। अगेन मैं इसके साथ आके बैठी हूँ, बोलेंगे मैंने तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा कदम से। कि सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ ही क्यों होते हैं मौला। तो फाइनली शाहरुख अजमल आ गया है। क्या दौरा पड़ा था बाइक को, क्या दौरा पड़ा था? मैं पानी चला गया। वाओ, सबसे पहले हमने निकलवाएंगे एटीएम से पैसे। मुझे समझ नहीं था शाहरुख के कम पैसे क्यों निकले, एक एक दो दो हजार कर करके निकलवा। बाबा जी कैसे हैं आप? फुल सिक्योरिटी करके शाहरुख अजमल लोग 5 रुपए गिर के उठाओ उठाओ शाहरुख उठाओ, इसको शर्म नहीं आती है कि उठा ले, ये लो पकड़ो रखो। वैसे एक दिन गोल्डन पर लगाइए, फर्क बताएं हुआ है कि नहीं, हाथ वाइट हुए हैं कि नहीं? नहीं। बदतमीज। हेलो, ये तो मेरे पास आ जाओ गोल्ड चार्म। अरे यहाँ पर एक बेबी, ये एक सेकंड दिखाती हूँ, ये वाला, ये कितना ज्यादा क्यूट है, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। वैसे मैंने ये मैंने लिया। कितने? कुछ नहीं। लॉक ओपन, लेट्स गो आउटसाइड। शाहरुख दरवाजा तरफ भारी बंदा खुलवा लेता है। तो मैं भी आई थी अब्बू से मिलने, शाहरुख कोजी को लेके जा रहा है, जाओ जाओ ले जाओ। सही करें, अरे सही खुला हुआ है, और जी चीज लेकर आना सबके लिए, ठीक है? वो देखो उसको उठा के चला गया। तो भी आई हूँ मैं, हाजी अकबर पहले बाल सेट करो, एक सेकंड। टेटू हाजी अकबर कैसे हैं आप? ठीक है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। नैना अकबर, नैना अकबर, बाबर अकबर, बाबर अकबर। हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही है। मैंने कहा मैं आपसे मिलकर चली जाऊं। अच्छा अच्छा। मिलने आई थी। शुक्रिया शुक्रिया। आज मदीना जा रही ना? अल्हम्दुलिल्लाह वाकई जा रही हूं। अभी आपको का एक्सप्रेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी नहीं जाऊंगी इंशाल्लाह। नहीं नहीं अभी सच में मेरा। तो मैं अब्बू से मिलने आई, तो ये दोनों मुझे दिख गए। मीर सही, हेलो कैसे हो? इग्नोर करो कक्की, आ जाओ कि बाहर चले, आ जाओ को फूफो की पहचाने के लिए, आ जाओ बाहर ले जाओ, आ जाओ बाहर चले, बाहर जा रही हूँ बाहर बाहर, आ जाओ बाहर चले, चले भाई चुप करके जा तो रही जाने चूहा। तो अभी ये दोनों नीचे आए, मैं इन दोनों को खानी है चीज, आ जाओ सारो आ जाओ इनको चीज ला दे। से मिल लिया अब्बू से मिल लिया, टाइम अच्छा गुजर गया। हम लोग जा रहे हैं साड़ी हमारे लेने, मीन मेरी लेने। तो अभी आई हूं यहां पर अपनी साड़ी अंदर से, और भी हमने डाई करी नहीं, देखा तो आग और भी फटी हुई अंदर, अभी हमने इसको कुछ करा ही नहीं, वो करवा लेती इसको। नहीं यहां से भी देखे ना, यहां से भी फटी हुई है, ये देख। तो वो ज्यादा फटी हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि वो नई कलर करके दे। तो बाइक धुलवाई, तुम्हारी बाइक जो है अभी काम नहीं कर, मतलब करंट नहीं पकड़। तनवीर भाई को बुलवाया, तनवीर भाई अपनी बाइक देंगे, वो भी हमारी बाइक है तनवीर भाई के पास, तो तनवीर भाई की बाइक पे हम लोग जाएंगे और इस वाली बाइक को तनवीर भाई को दे देंगे। मैं उसको फिर भी बता कर रहे हैं दुकान रफ वाले भाई को, साड़ी का ये पता, पहले मैं उसको रफ करवा रही हूँ फिर जाके वो कलर होगा। तो मैंने कहा भाई आप मुझे पहले बता देते, खैर अभी करवा लूँ फिर सुबह के ले जाऊँ। हम बाहर आए हुए, अरे मेरे पाँव के ऊपर कैसे बैठे मानो
बिल्ली नहीं देखे कहते मैं जाहिल हूं। जान नहीं है मेरे, मेरी जान के तोता कितनी प्यारी है, चेक कर ले इसकी आंखें तो देख ली ना, लाल शर्मा रही है। ओ मिठू मिठू क्या हुआ आसमान भाई, क्या करते मिठू आपके साथ? चक पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है। का मतलब होता है बाइट करना। और ये देखिए मिट्टू क्या कर रहा है, मिट्टू मिट्टू शहजादा कहने लगा ना कि तो वो जो है ना मुझको चक पहनता है। व्हाई, क्यों, कहां से कराते हो ऐसी लैंग्वेज? तो भैया भी हम लोग घर वापस आ चुके हैं और साड़ी का कपड़ा जो है वो मैं दे आई हूँ, अल्लाह करेगा वो हो जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा फटी हुई। लेकिन आपकी बहन कहती है कि इसका पूरा अच्छे से इसका अर्थ निकालेगी, तो मैंने इसको ब्लू नेवी ब्लू होने के लिए दे दिया। दुआ करें हो जाए कि मैं जल्दी के पैसे में खर्च करूँ, आखिर वो एक साड़ी पड़े तो उसका और अच्छे से इसका इस्तेमाल कर लूँ, एक बार और पहन सकते हैं। लेकिन उसको मैं रिक्रिएट करूँगी उसका मैं अच्छे से, और लेकिन उसका जो है ऊपर का जो ब्लाउज है वो अलग लूँगी, और उसके साथ अब मैं कुछ अलग सा कुछ मेकअप वगैरह होगा। और ऐसा आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग भी कुछ चेंज करें, अगर आप लोगों ने आपके पास कपड़े हैं तो उनको चेंज करके पहने। सुगरा कम यार, सुगरा मैं बात कर रही हूँ ना, सुगरा बदतमीज लड़की। ओके मिठू, अगर तुम्हारे पास कपड़े हैं ना उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन कपड़ों को रखो। तो मिठू तुम समझ गए हो, समझ गए मैंने क्या बोला? इनको नींद आई हुई, लेकिन खुदा कसम इन लोग सोना नहीं चाह रहे, सो जाए क्या है? तो भाई शाहरुख ने ना मोबाइल अपना उसको चेंज करके अब फाइनली ये वाला मोबाइल, शाहरुख को चुल लिया मोबाइल लेने की, आखिरकार को यही वाला मोबाइल लेना था, इसने ये वाला। क्या तुम इसके साथ खुश हो? कितने? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओके तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करने लगी हूँ, और इससे पहले आप लोग बता दो कि मेरी दिव्य बाबर के साथ कोई सुलह नहीं हुई, ना ही किसी और के साथ कोई सुलह हुई। मैं बस घर गई थी अब्बू के पास, अब्बू से मिलने गई थी तो बच्चे बैठे थे तो उनके थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बना ली, क्योंकि बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि बच्चों के पास जाती भी नहीं हूँ, लेकिन देखो छोटे छोटे बच्चे उनको भी मेरा पता लग जाता है। शाहरुख के पास नहीं जाते मेरे पास, शाहरुख के पास ओजी गया है, फादिया नहीं जाती, फादिया मेरे पास भी नहीं आती, लेकिन कक्की और जो है मीर वो मेरे पास आते, लेकिन शाहरुख के पास नहीं जाते तो वो मेरे पास आया। हुआ था बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना खून अपना, बच्चों के साथ तो कोई भी लड़ाई नहीं है, खैर मेरी ना ही मेरी बड़ों के साथ कोई लड़ाई है। खैर तो बस बच्चों से मुझे आज बहुत अच्छा लगा, और आप लोग जाके कोई भी उनको बाबर दिल में गलत कमेंट्स ना कीजिएगा कि भाई तुम लोगों ने सुलह कर ली नागिन के साथ, नागिन के साथ किसी ने सुलह नहीं की। खैर बस मैंने कहा सर एंड में ये बता दूँ, और मैं भी लोग कल एक नए व्लॉग के साथ अपनी अच्छी दुआओं में मुझे याद रखेगा, अगर बुरे हालात में याद रखते तो कोई बात नहीं, खुश रहें और खुश रहने दें, अल्लाह हाफिज़। तो अभी कर रही थी घर की सफाई, भाई आजकल मिठू और सुगरा बहुत ज़्यादा घर गंदा करते हैं, और बोलते रहो चीखते रहो कोई भी नहीं सुनता, और सबसे बड़ी चीज़ शाहरुख तो बहुत ज़्यादा तंग कर, क्योंकि खुद तो जब हमारे घर में कोई बच्चे नहीं है, सिर्फ शाहरुख और मैं तो नहीं करती ना शायद, मतलब सफाई ही रखती हूँ, आपको पता मेरा काम है सफाई का। शाहरुख अजमल ये जो घर की सफाई मतलब हर चीज़ों को छेड़ता रहता है, माफ़ कीजिएगा गुस्से में ज़रा मैं इधर उधर निकल जाती हूँ। अच्छा प्लीज़ आज आप लोग मेरी साड़ी को जज मत कीजिएगा जिसको मैं कलर करवाने के लिए लेके जाऊँगी यार, क्योंकि वो सायरा बाजी ने मुझे दे दी है, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा पैसे ज़ाया ना, क्योंकि मैं बहुत कम पैसों में सो कलर करा के एक अच्छा सा ड्रेस बना के पहन सकती हूँ शाहरुख की बर्थडे, तो वाई नॉट मेरी जान। अच्छा आज मैं आप लोग को सॉन्ग सुनाती हूँ, ठीक है? ऐसे भी रहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहे भर भर के, जले मन तेरा भी किसे के मिलन को अनामिका, तू भी तेर से। तो सफाई का व्लॉग यहीं पर एंड होता है, तररा।